मामू खान ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, मामू खान 1654 माई ब्लॉग नेम। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से। आज मैं आपको पंजीरी बनाने का तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया, सर्दियों की आमद आमद है, तो हमने क्यों ना सोचा कि पंजीरी बनाई जाए। जिसके लिए मैंने अपने लिए एक दाल ली है, मगर मैंने इसको ग्राइंड करवा ली है, क्योंकि इसको इसलिए मैंने करवा लिया चक्की से कि घर में इसको पीसना बहुत मुश्किल है। जो आप खिचड़ी वाली दाल लेते हैं ना, क्या नाम है, ग्रीन छिलकों वाली, काले छिलकों वाली, आप उनमें से कोई सी भी एक दाल ले सकते हैं। और एक मिनट ठहरें, और लेके आप उसको ग्राइंड करवा लें किसी चक्की से, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने ग्रीन छिलकों वाली दाल लिया, तो मैं चक्की से देखें कितनी नरम मुलायम हो चुकी है। उसके बाद मैंने चीनी जो सी है वो भी मेल्ट कर ली है। उसके लिए मैंने ली है कोकोनट ऑयल और पाउडर लिया है, और बादाम लिए हैं, ड्राई फ्रूट, अखरोट लिए हैं, मैंने इन सबको ग्राइंड कर लिया है, और चार मगज़ लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, और अपना ये सारी चीज़ें अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। आदत में कढ़ाई ली है, इसको आग लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं अपना जैतून का तेल डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलें, ये हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर तेल, तो अभी इसको गर्म होते हैं, तो फिर अपनी हम जो सी है वो दाल को पहले ऐड करेंगे। एक और चीज़, अगर आपने बहुत मज़े की बनानी है, मैं तो इसके अंदर सूजी भी ऐड करती हूँ, जिसके लिए मैं 2 चम्मच सूजी के लिए हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की चाहते हैं और किस तरह की नहीं। ठीक है, ऑयल गर्म होता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि गर्म ऑयल में नहीं इतना करना, बस ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम अपनी डालेंगे। और उसको आपने बहुत हल्की सी आँच में जो है ना पंजीरी को तैयार करना है, क्योंकि पंजीरी जो से हम बनाते हैं बहुत ये नाजुक चीज़ होती है, इसको बहुत तरीके से बनाना होता है। चलें, फिर इसके अंदर हम ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम पंजीरी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब इसको हलाएं, ठीक है, इसको अब आपको आपने देखें इस तरह मीडियम बिल्कुल कर लेना है। चलो अब ये होती है तो मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारी पंजीरी तैयार हो रही है, और कैसे इसके बबल्स बन रहे हैं। इसको तैयार होने दें, इसको हमने ऐसे ही पकना है, और आपने इसके पास ही रहना कि नीचे लगे ना बिल्कुल। आपने बहुत एहतियात करनी है हर चीज़ की, और इसको हिलाते रहना साथ साथ। ये हड्डियों के लिए, आपके दर्दों के लिए, आपकी बॉडी के लिए, दिमाग के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत हेल्दी चीज़ है। ऐसी देसी चीज़ें खानी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, इसका रंग बदलता है, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें इसकी इतनी प्यारी खुशबू आने लगी है, आपने इसको हलाते रहना है। ये तैयार होने पे, पकने पे, अपनी दाल जब आती है ना थोड़ी सी तैयार होने पे ज़रा सी, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाती है। अब इसके अंदर मैं जो सूजी है ये मैंने 2 से 3 चम्मच डाले हुए हैं, ये आपने डाले हैं। बिस्मिल्लाह, इसके अंदर हमने मिक्स कर देना, इसको हला, जितना अच्छी तरह हलाएंगे उतनी अच्छी सूजी आपकी तैयार होगी, और सॉरी पंजीरी, सूजी भी अंदर मिक्स हो जाएगी। पकने दें इसको, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जौन से आपकी नीचे पंजीरी दाल ना लगे, और अगर वो सर गई तो आपको पता फिर आपकी जौन सा पंजीरी के अंदर स्मेल आएगी, इसलिए आपने बहुत एहतियात करना है। आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत डाले आपके खानों में, आपके जायकों में, कितना इसका खूबसूरत रंग आने लगे, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। जो भी देखे मेरी वीडियो माशाल्लाह बोल दिया करें। वैसे तो आप लोगों को ना कुछ बोलना नहीं, इतना तो आप लोगों का है ही नहीं कि वीडियो देख लो या पूछे, मेरा काम है, मेरा खाना है, मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह बोलो, नज़र ना लगे। चलो पंजीरी अब ज़रा तैयार होती है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी। आपने बस ध्यान रखना नीचे ना लगे, आपने इसकी बहुत एहतियात करनी है, नीचे लग जाएगी तो पंजीरी सड़ जाएगी। अब हम इसके अंदर अपनी चीनी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखूँगी कि कितनी मुझे चाहिए, मैं अभी हाफ डालूँगी, अगर मेरी ज़रूरत होगी ज़्यादा तो फिर आप अपने जायके के मुताबिक करें, जिस तरह आप चीनी पसंद करते हैं, जिस तरह आपको उस चीनी पसंद है आप उस तरह डालें। ये देखिए कितनी खूबसूरत हो गई हमारी
चटनी डाल के आप देखें कि आपकी दाल नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। अब हम जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपने इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हमारे इतने खूबसूरत ड्राई फ्रूट हैं, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, यम यम यम, बिस्मिल्लाह, सारे ऐड कर दें, सारे के सारे ऐड करने हैं, क्योंकि मज़ा ही पंजीरी का इन चीज़ों से ही है। अगर ड्राई फ्रूट इन्हें अंदर होगा तो फिर क्या करना है पंजीरी का। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, क्या खूबसूरत है। चले मैं मिक्स कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें मेरी फैमिली, इसका कितना कलर बदल गया। अब हमारी पंजीरी जो सी एंड पे आ गई है, इसको अच्छी तरह भून लेना है, इसको अच्छी तरह इस तरह करना है 5 से 10 मिनट, फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ अपने पीने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है। अल्लाह बरकत डाले। इसकी आप छोटी छोटी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं इस तरह तैयार करके। इसकी आपको तरीका सिखाती हूँ। ठहरे, ये हमने छुरी ली है, उसके ऐसे हम इसके ऐसे पीसेस करेंगे, ऐसे ऐसे करके आप क्यूब्स में डाल के ऐसे, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ऐसे फिर ऐसे ऐसे। ये एक आपकी एक किस्म की मिठाई भी तैयार है। ये एक किस्म की मिठाइयाँ ही हैं ड्राई फ्रूट वाली, जो बंदू खान वगैरह से मिलती है ना, वो उस तरह की, मगर हमारी जो सी है काफ़ी हेल्दी और घर की साफ़ सुथरी आँखों के सामने बनी हुई। ठीक है, जब ये तैयार होती है, अब 5 से 10 मिनट मैं इसको भून लूँ, फिर उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस किस को मेरी पंजीरी पसंद आ रही है ज़रूर बताइएगा, वेट करें आप। हमारी जो सी पंजीरी बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह से, अल्लाह बरकत डाले, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इतनी खुशबू आ रही है कि मज़ा आ रहा है, उड़ उड़ के जा रही है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, फिर बहुत अच्छी बनेगी। चलें अब हम इसको इस क्यूब्स में भी डालेंगे, क्योंकि अगर आपने मिठाई के तौर पे सर्व करना लोगों को अगर देना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए। मैं आपको डिश आउट करके दोनों तरीक़ों से दिखाती हूँ। ठीक है, ये देख लें, इसका रंग देख लें और ये कितनी खूबसूरत है। चले मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माई फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं इसको डिश आउट कर दिया और हमारी पंजीरी तैयार हो गई है। वाओ यम्मी, आ करके खा लो सारे। और मैंने इसको क्यूब्स में इसलिए डाला कि आप इसके अंदर आप मिठाई के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं अगर आपके घर गेस्ट आए थे। और ये भी मैं देखूंगी जब ये तैयार हो जाएगा तो ये भी मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर दूंगी इसके अंदर, ये भी आपको दिखाऊंगी। और आप इस तरह खा सकते हैं, ये आपकी हड्डियों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, जिन लड़कियों के बाल घिरते हैं, हमारे बाल नहीं है, हमारे बाल नहीं है उनके लिए, और जिनके कहती हैं हमें कमज़ोरियाँ, दर्द है, हम चल नहीं सकती, हम ये नहीं कर सकती, उन सब के लिए बहुत एक ख़ज़ाना मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये तो आप लोग जो सा होते हैं मल्टीविटामिन वगैरह लेते हैं, तो ये तो आप अगर आप ये खाएं तो ये सबसे फ़ायदा आपको देगा। और मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर घर मस्त ट्राई करना और ज़रूर, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आपके प्यार की, आपके प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, और आप मुझे सपोर्ट करें और मेरा वॉच टाइम जल्दी से कम्प्लीट कराएँ। अल्लाह हाफिज़। इसको इस तरह क्यूब्स करके और प्यारे प्यारे से मिठाई की तरह के बना सकते हैं। आपको करीब से दिखाती कितने खूबसूरत हैं, फुल ड्राई फ्रूट से भरा है। और आप इस तरह भी, आपका कोई आपके घर गेस्ट आया था तो फिर इस तरह भी खाएं और एक एक करके खाएं, बहुत मज़ा आएगा। और मैंने जिस तरह पंजीरी बनाई है आप लोगों ने ज़रूर घर में ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कैसी बनी है। थैंक यू जी। वेलकम टू आमोहान व्लॉग 1654 माई यूट्यूब चैनल है, जो मैंने आपको बताया होता है। और ये मैंने बनाई है पंजीरी। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर आप ये देखना चाहते हैं पंजीरी बनाने का पूरा तरीका कि किस तरह मैं बनाई है और किस तरह किया है, तो आप मेरे चैनल आमोहान 1654 पे जाएं, यूट्यूब चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें एंड मज़े मज़े की चीज़ें देखें और वीडियोस देखें, एंजॉय करें। और फिर आपसे जाना चाहती हूँ, देखते हैं कौन मेरी वीडियोस जाके देखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।